हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और क्या हाल है आपके? इस बार मैं सावन सोमवार से ज़्यादा पूछूंगी इस फुल मून के बाद आपके क्या हाल है, क्योंकि जैसे कि मैंने कल एनर्जी अपडेट दिया था कि बहुत ही मैनिपुलेशन की एनर्जीज है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त मैनिपुलेशन DF के दिमाग में हो रहा है, राइट? और दिमाग में जब मैनिपुलेशन होता है तो ऐसी ऐसे क्लाउड्स आ जाते हैं जब दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम अपने ही ट्विन फ्लेम को अपना दुश्मन समझने लगते हैं, या कर्स करने लगते हैं, या उसको सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम है तो ठीक है, करना क्या है। अगर ये अनकंडीशनल लव है जहाँ पर कि हम अगर थोड़ा सा भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा, तो ऐसा जजमेंटल माइंड हो जाता है, राइट? बहुत बारीक बारीक बातें बता रही हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनिए। इतनी डीप कोर में आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगी, और जब आप लोग जब सब चीज़ें सीखते भी हो और जब वक्त ज़रूरत पड़ती है इस चैनल को आपके प्रोटेक्शन की, तो आप लोग भूल जाते हो कि आपने क्या क्या यहाँ से लिया था। ये थोड़ा दुखद हो जाता है कि जब कोई हल्की सी भी हवा उठती है तो आप लोग एकदम से जज करने लगते हो चैनल को, तो इसलिए मुझे बीच में ये बात बोलना बहुत ज़रूरी था। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। इससे मेरा मोटिवेशन कम हो जाता है, जो मुझे देना है बहुत कोर में वो मोटिवेशन कम हो जाता है। तो कीप माई स्पिरिट हाई, राइट? ओके। तो क्या होता है कि जब हम मैनिपुलेट होते हैं, हमारा माइंड मैनिपुलेट होता है, तो हम बहुत चीज़ें बहुत गलत चीज़ें सोचने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ये हमको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है, अगर मुझे ज़रूरत है तब मेरा ट्विन फ्लेम काम नहीं आया तो क्या फ़ायदा, इसे तो कंडीशनल लव ही अच्छा। बहुत सारी बातें, जैसे मैंने कल कहा था कि ये एक अनकंडीशनल लव की जर्नी है। तो जब हमको तकलीफ होती है और ट्विन फ्लेम हमारे उस वक्त हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, तो हमारे माइंड में बहुत सारे जजमेंट्स चलते हैं कि फिर ऐसे अनकंडीशनल लव का क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा कि जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेरे ट्विन फ्लेम की वो मेरे पास नहीं। तो देखिए कैसे दिमाग भ्रमित कर रहा है। अगर आपकी तरह भगवान सोचने लग जाए तो भगवान भी फिर आपसे कंडीशनल लव करे तब? बताइए। इसलिए कि जब भगवान, तो जब आप उनको कर्ज करते तब भी आपकी हेल्प करते हैं, जब भगवान को आप पूछते भी नहीं हो तब भी वो आपकी हेल्प करते हैं, या आप जब भगवान के पास सिर्फ मतलब के लिए पहुँचते हो ना तब भी वो आपकी हेल्प करते हैं। भगवान सोचते हैं कि मुझे सिर्फ कंडीशनल लव करना चाहिए, जो जितना मुझे दक्षिणा चढ़ाएगा सिर्फ उसी को प्यार करूँगा, जितनी मालाएं फेरेगा सिर्फ उसी को प्यार करूँगा, राइट? दिस इज कॉल्ड द अनकंडीशनल लव, जो हमें हमारे ट्विन फ्लेम सिखाता है, ये जर्नी सिखाती है, या इस जर्नी पे हम आए ही इस अनकंडीशनल लव को सीखने के लिए हैं। सच बात तो ये कि ये जर्नी जो है, दिस इज जर्नी ऑफ द अनकंडीशनल लव, और वी आर लर्निंग अनकंडीशनल लव फ्रॉम दिस जर्नी। तो ये जो क्लाउड्स आते हैं, जो वेव्स आते हैं, ये जो ट्रिगर्स आते हैं दिमाग में आके खुद के, वो एक नेगेटिव एनर्जी होती है जो कुछ टाइम तक रहती है। लेट इट पास, राइट? इस वक्त फुल मून के आसपास के पहले या बाद में, जब हाई ऑप्शन ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी दिमाग में अवेयरनेस का होना, अलर्टनेस का होना, क्योंकि सबसे पहले बुद्धि जाती है। जब भी हम कोई गलती करते हैं या हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, राइट, मतलब सबसे पहले हमारी बुद्धि का विनाश होता है, बुद्धि जाती है, और फिर उसके बाद हम अपने DM के बारे में गलत सर सोचना, जर्नी के बारे में गलत सर सोचना, मेंटोर के बारे में गलत सर सोचना, भगवान के बारे में गलत सर सोचना, और ऐसे करते 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 धीरे हम एक ट्रैप में, नेगेटिविटी के ट्रैप में आने लगते हैं। तो इस वक्त वही एनर्जी है, वही मैनिपुलेशन की एनर्जी है, राइट? तो आपको सबसे पहले अपनी बुद्धि को साफ रखना है, अलर्ट रहना है, अवेयरनेस में रहना है। कुछ नहीं समझ में आता है, महामृत्युंजय मंत्र चला दीजिए, अपने पूरे घर का ऑरा साफ कीजिए, ऑरा क्लियर कीजिए, चौकन्ना रहना है। हाई वाइब्रेशन से ज़्यादा ज़रूरी है चौकन्ना रहना है कि मेरे जो थॉट्स आ रहे हैं, चलो ठीक है, इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये भी एनर्जी है, बट ये आए और चले जाएँ, ये कुछ भी जज ना करें, ये कुछ भी रॉन्ग स्टेप ना लें, ठीक है? ये बहुत ही बारीक बात बता रही हूँ। इस वक्त आप कुछ ना करो, ठीक है, लेट दिस टाइम पास, लेट दिस क्लाउड्स कम एंड गो, कम एंड गो, लेट दिस वेव कम एंड गो, दैट इज द ओनली थिंग।
द मेन अवेयरनेस, अलर्टनेस, कॉन्शियसनेस, ठीक है, माइंडफुलनेस, मैं क्या बोलूँ, बस इसी का टाइम है। तो अगर इस टाइम से आप अभी भी गो थ्रू हो रहे हो तो यही एक की है, राइट। एंड सेकेंड, मेडिटेशन ऑफ द शेयर फील्ड रीबैलेंसिंग, जिसमें हमको फिर से अपने अपने डीएम के संग अपनी फील्ड को, अपनी शेयर्ड फील्ड को रीबैलेंस करना है। दोस्तों बहुत ही डीप कोर में बात बताऊंगी, जो कि आप सुन भी चुके हो मुझसे कई बार, बट मैं बार बार रिवाइज कराना चाहती हूँ। दिस जर्नी जो आपने सुना है ना मेरे मुझसे कई बार, दिस जर्नी इज ऑल अबाउट यू एंड यू। लेट मी एक्सप्लेन। ये जो कम्युनिटी होती है ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में, हर जगह आप जिस भी चैनल पे जाइए, हर जगह आपको डीएम बेस्ड बातें ही की जाएंगी। ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो इस चैनल पे है वो सिर्फ राइट गाइडेंस लें और जर्नी पूरी करें। सिर्फ यही मेरा एक कोर इंटेंशन है, राइट गाइडेंस एंड जर्नी अपनी पूरी करें। हम लोग हमेशा डीएम बेस्ड ही रहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, उन्होंने मुझे हेल्प नहीं करी, वो मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, उन्होंने मुझे एक धोखा दिया, वो थर्ड पार्टी में है, ब्ला 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 ब्ला। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक कि आप पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो, एग्जाम तो दे नहीं रहे हो, बस अपने रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो, मेरे 90% आएंगे कि 80% आएंगे कि 75% आएंगे कि 100% आएंगे, सोचिए हंसी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट द आउटकम बाय प्रोडक्ट एंड यू आर नॉट एट ऑल डूइंग एनीथिंग। तो आपको आउटकम से कोई मतलब नहीं है, उस तरफ के ड्रामा से कोई मतलब नहीं है, वहाँ वो क्या चल कर रहा है, वो सोच रहा है नहीं सोच रहा है, वो थर्ड पार्टी में कहाँ। दिस जर्नी इज नॉट अबाउट डीएम। इस चीज़ को अंडरलाइन कीजिए, यही बात मेरे को बतानी है कि जो एंटायर कम्युनिटी में आपको फोकस किया गया है, दिस जर्नी इज ऑल अबाउट डीएम एंड रीयूनियन। ऑफ कोर्स यूनियन है, बट नॉट अबाउट द डीएम, राइट। व्हेन यू आर रेडी, आपका यूनियन तो हो नहीं है, तो डीएम तो बाय प्रोडक्ट अपने आप ही आएगा। सो दिस जर्नी इज नॉट अबाउट डीएम, दिस जर्नी इज नॉट अबाउट डीएम। रट लीजिए, नीचे क्लेम कीजिए, और फुल मून ऑफ न्यू मून और पोर्टल्स में इसको बार बार रिपीट कीजिए अपने दिमाग में, दिस जर्नी इज नॉट अबाउट डीएम, दिस जर्नी इज नॉट अबाउट डीएम, राइट। तो फिर ये जर्नी किसकी है? दिस जर्नी इज अबाउट यू एंड यू, दिस जर्नी इज ऑल अबाउट यू एंड यू। बच्चों की तरह रटवाना पड़ रहा है, पर मुझे अच्छा लग रहा है। यू मतलब यूनिवर्स, ओके, यूपीआई से याद आया, ओके ओके। दिस जर्नी इज अबाउट यूनिवर्स एंड दिस जर्नी इज अबाउट यू, एवरीथिंग अबाउट यू। दिस जर्नी इज ऑल अबाउट यू एंड यू, दिस जर्नी इज ऑल अबाउट यूनिवर्स एंड यू। मतलब आपको अपने अंदर के परमात्मा से मिलना है, द स्पार्क इनसाइड यू, अलाइन विद योर सुप्रीम सोल, अलाइन विद योर हायर सेल्फ, योर सोल इनसाइड यू। And when you are aligned with your soul, of course, you will align with your twin soul. And this second, this journey is all about you. You are your highest priority. What I am thinking, what I am doing, what wrong I am doing, what I should do, what I want, not what my DM want. My DM want intimacy. No. Am I really want intimacy? This is the example I'm giving you. डीएम के लिए इंटीमेट होना पड़ता है क्योंकि वो चाहते हैं, उनकी यही इच्छा है। देन दिस दी जर्नी आई थिंक इज अबाउट द डीएम, और ये जर्नी 100% कभी पूरी नहीं होगी। बट व्हेन यू आर थिंकिंग दिस जर्नी इज ऑल अबाउट मी, तो आस्क योरसेल्फ, एम आई रियली वांट इंटीमेसी, और आई वांटेड टू प्रिजर्व माय एनर्जी, और आई वांटेड टू कंप्लीट माय जर्नी, व्हाट आई वांट। दिस इज नोन एज दिस जर्नी इज ऑल अबाउट यू। इतने पावरफुल टिप दिया है दोस्तों, बी ग्रेटफुल फॉर द यूनिवर्स कि वो क्या मेरे थ्रू आप लोगों को दे रहे हैं, एंड ऑलवेज रिमेंबर दीज गाइडेंस जब इस चैनल को आप लोगों की जरूरत होती है। बी ऑनेस्ट विद गॉड, ठीक है, अपना ध्यान रखिए, लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल।